What else can we do after class 12th apart from maths honors? Now a few percentage of this channel's audience is school students, yani ki class 11th or 12th ke kuch students hai jo meri videos ko bahut regularly dekhte hain. So I need to take care of my audience, isliye ye video specially un sare school wale bachcho ke liye hai jo 11th or 12th mein hai. Baaki log bhi is video ko dekh sakte hain aur apne juniors ko, apne siblings ko suggest kar sakte hain. और अगर आपका मन बदल जाए आप इन में भी शिफ्ट हो सकते हैं. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि एक अच्छे ऑल्टरनेटिव है. इनफैक्ट वो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और एंड ट्रस्ट मी मैं अच्छा ही सजेस्ट करूंगी, ठीक है, और जो आप कर सकते हो क्लास 12 के बारे में, और उसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे इस वीडियो में. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम आयुषी एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट द कोर्सेज व्हिच आई एम गोइंग टू टेल is that you can be from any stream. तुम किसी भी stream के हो सकते हो इन courses को pursue करने के लिए. So let's start. Okay. तो हम पहले बात करेंगे कुछ Instagram के DMs के बारे में और उसके बाद हम आगे चलेंगे. Okay. So Instagram पे एक पेज है @mathfreaks का जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड उस पेज पे काफी सारे DMs आते हैं और उन DMs में से कुछ ऐसे वाले DM होते हैं, कुछ ऐसे क्वेरीज होती हैं जो कि लिटरली मुझे लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही जेन्युइन डाउट है या फिर ये तो सबको ही आता होगा. और वो ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, वी डेफिनेटली हैव सम इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, बट वी आर नॉट रियली श्योर कि हमें आगे मैथ्स ऑनर्स के लिए ही जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स तो पूरा मतलब बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन हो गई मैथ्स में. तो क्या हमें और कुछ कंसिडर करना चाहिए, मतलब कैसे डिसाइड करें कि मैथ्स ऑनर्स, बी टेक, बी सी ए या फिर और कोई कोर्स. सो आई नो कि ये बहुत ही जेन्युइन क्वेरी है एंड ये कन्फ्यूजन आती ही है, तो इसलिए ही वीडियो बनाई जा रही है कुछ ऑल्टरनेटिव्स के लिए. ओके. सो बहुत हो गया ज्ञान, लेट्स स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट. ओके. नाउ जो कोर्सेज है हमारे उसके नाम बता देती हूँ. पहला कोर्स है आपका BMS विच इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. दूसरा कोर्स आपका है BBA FIA which is bachelor's of business administration financial investment analysis, और तीसरा आपका है BA honors in business economics BBE. okay. अब रुक जाना, अभी जाना मत, क्योंकि ये जो तीन courses हैं ये literally मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसी को भी courses है, इनके लिए बहुत एकदम बहुत ज्यादा competition होता है इनमें admission लेने के लिए. तो आगे बात करते हैं कौन सी university इन courses को देती है. तो हमारी Delhi University जो है वो ये 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं. तीनों के तीनों 3 साल के होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. अब कैसे अंदर घुसे, कैसे एडमिशन लें इस प्रोग्राम में, सो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है जो कि आई थिंक अच्छे लेवल का होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव तो डेफिनेटली होता है, ठीक है. लेकिन हाँ ये भी बात है कि काफी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है. सो अगर आपको पता है, बाय द वे कॉमेंट से बताओ कि आपको पता है या नहीं है, और तो फिर आपको अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए. और ज्यादातर ये एप्टीट्यूड बेस्ड ही पेपर होता है और इसको एक शॉट देना ही चाहिए. ओके. सो हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस के नेम की. एंट्रेंस का नेम होता है आपका DU JAT विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट. ओके. अब आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो इसको परस्यू करने के लिए. बात करते हैं कॉलेजेस की. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड 10 कॉलेजेस BBE ऑफर करते हैं, 9 कॉलेजेस BMS ऑफर करते हैं और दो कॉलेज है जो BBA ऑफर करते हैं, ठीक है. और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, बहुत ही रिप्यूटेड कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, यानी कि आपको जॉब मिलने के बहुत चांसेस है आफ्टर योर बैचलर्स, ठीक है. विच इज अनलाइक द अदर कोर्सेज दैट DU ऑफर्स, ठीक है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने ऑनर्स कोर्सेज होते हैं आप टॉप के कुछ कोर्सेज हटा दो तो बहुत कम प्लेसमेंट्स होती हैं और मतलब जॉब मिलना मुश्किल होता है. अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की जो कि है इन कोर्सेज के लिए, जिसका जो बस लिखे हुए नीचे, तो आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं नीचे देखूँ तो. ओके. पहला है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, फिर है केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशन स्टडीज, गार्गी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामलाल आनंद कॉलेज. तो ये सारे आपके टॉप कॉलेजेस हैं और आप इनमें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए. और जो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है इसके प्लेसमेंट्स काफी अच्छी हैं. ओके. नाउ मूविंग ऑन, अगर किसी को भी थोड़ा जानना है कि कैसे हम 100/100 यानी कि परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं अपनी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी ऑलरेडी जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है. बाय द वे मेरे आए थे 100/100 इन मैथमेटिक्स, तो उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया. बट आई थिंक ना वो थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं या फिर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम ही रहता है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप क्लास 11th 12th के बच्चे हो और आपको थोड़ा भी कुछ उससे हेल्प मिल सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऑनेस्टली.
ओके सो इतना ही था इस वीडियो में. आप बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या आप इन एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपको पता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता और वो सिर्फ ऑनर्स वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. बट ये भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली रखने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. और मुझे लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर दोगे. सो लेट्स मीट सम टाइम अगेन. बाय.